नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो एसएसटी सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं वो मेरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ अशोक के प्रशासनिक सुधार। क्योंकि विद्यार्थियों, आपके टॉपिक है मौर्य शासन, और मौर्य शासन में अगर कहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से माना जाता है महान सम्राट अशोक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अशोक का जो शिलालेख था 13वां, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की बात कही गई है, और माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध धम्म को त्याग कर धम्म घोष की घोषणा कर दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने धर्म प्रचारकों की नियुक्ति भारत के भिन्न भिन्न भागों में कर दी थी। अनेक धर्म यात्राएं जो की वो स्वयं ने की, ताकि वो अशोक महान सम्राट बन सके, एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रतिपादन कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस एक छत्र शासन की स्थापना भारत में की थी, उस एक छत्र शासन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करके मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने में अशोक का अपना एक महत्व है। तो क्या किया अशोक ने, जानिए देखिए इस वीडियो में अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने प्रशासन में सुधार करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की। विद्यार्थियों, उसमें सबसे पहला आता है विद्यार्थियों राजू। राजू, युक्त और प्रादेशिक, इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति की बात हमें शिलालेख नंबर 3 से मिलती है। शिलालेख नंबर 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अशोक के द्वारा इन तीन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें सबसे पहला आता है राजू, दूसरा आता है युक्त, और तीसरा आता है प्रादेशिक। राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई वो था युक्त। राजस्व संबंधी, भूमि और न्याय से संबंधित, भूमि एवं न्याय से संबंधित जो अधिकारी माना जाता था वो था राजू। राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई उसका नाम था विद्यार्थियों युक्त। और प्रादेशिक का मतलब ये था प्रशासन से संबंधित। प्रशासन संबंधी अगर किसी भी प्रकार की कोई विवाद होता था तो उसको प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, और इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति की बात शिलालेख नंबर 3 में देखने को मिलती है। अब बात आती है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक का उल्लेख शिलालेख नंबर 6 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, प्रतिवेदकों की नियुक्ति की बात कही गई है। और प्रतिवेदक का मतलब था जनसाधारण की आवाज को राजा तक पहुंचाने के लिए जो अधिकारी होता था विद्यार्थियों उसी का नाम था क्या, प्रतिवेदक। और प्रतिवेदकों का उल्लेख शिलालेख नंबर 6 में देखने को मिलता है। फिर आता है विद्यार्थियों नगर व्यवहारी। नगर व्यवहारी का मतलब है नगर प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे नगर व्यवहारी के नाम से जाना जाता था, और इस अधिकारी की नियुक्ति भी अशोक के समय में की गई थी। उसके बाद आता है धर्म महामात्र। धर्म महामात्र का उल्लेख विद्यार्थियों शिलालेख नंबर 5 में है। अशोक के शिलालेख नंबर 5 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए और भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करने, धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात शिलालेख नंबर 5 में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों
पशु बलि पर प्रतिबंध। पशु बलि पर प्रतिबंध की बात हमें शिला लेख नंबर 1 में देखने को मिलती है। उसमें कहा गया कि राजकीय रसोई घर में भी एक दिन में दो मयूर और एक हिरण से ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे। ये बात अशोक ने डिक्लेयर करी है शिला लेख नंबर 1 में। और बाद में जाकर के राजकीय रसोई घर में ये जो मांसाहारी भोजन बनता था इसको भी अशोक ने धीरे 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 बंद कर दिया विद्यार्थियों। तो पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की बात भी अशोक ही करता है शिला लेख नंबर 1 में। उसके बाद आता है दंड की कठोरता में कमी के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करता है जिसका नाम है विद्यार्थियों राजू। राजू को प्राण दान देने और प्राण में और दंड की कठोरता में कमी करने का अधिकार जो है वो राजू को दिया गया। और राजू की नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि मौर्य शासन में जो दंड का विधान था उसकी कठोरता में धीरे धीरे क्या की जाए, कमी की जाए। और इसके लिए राजू अधिकारी की नियुक्ति की गई थी विद्यार्थियों। तो आपने देखा अशोक के प्रशासनिक सुधारों में सबसे पहले उसने क्या किया, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की। उसमें शिलालेख नंबर 3 में 3 अधिकारियों की बात आती है। पहली है राजुक, दूसरा है युक्त और तीसरा है प्रादेशिक। राजुक भूमि और न्याय से संबंधित बात को देखता है, युक्त राजस्व संबंधी विवाद को देखता है, प्रादेशिक प्रशासन संबंधी अधिकारी होता है, प्रतिवेदक जनसाधारण की आवाज को राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था जिसका उल्लेख शिलालेख नंबर 6 में हमें देखने को मिलता है। नगर प्रशासन से संबंधित नगर व्यवहारिक हुआ करता था। शिलालेख नंबर 5 में धर्म का प्रचार करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके वहां की जानकारी जुटाने का कार्य धर्म महामात्रों के द्वारा किया जाता था। इसका उल्लेख शिलालेख नंबर 5 में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्रिया अध्यक्ष और ब्रजभूमि, इन दो अधिकारियों की बात भी अशोक के प्रशासनिक सुधारों में शामिल है। दूसरा मैंने बताया अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध की बात कही है। शिलालेख नंबर 1 में कहा गया है कि राजकीय रसोई घर में दो मयूर और एक हिरण के अलावा नहीं काटा जाएगा। धीरे धीरे पशु बलि ये जो दी जा रही थी राजकीय रसोई घर में उसको भी अशोक ने धीरे धीरे बंद कर दी थी विद्यार्थियों। दंड की कठोरता में मौर्य प्रशासन में जो दंड का विधान था उसकी कठोरता में कमी करने के लिए अशोक के द्वारा राजुक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अब बात आती है राज्य संबंधी सिद्धांत। अशोक ने राज्य संबंधी सिद्धांत ये दिया कि संतान मेरी प्रजा मेरी संतान है तथा पुत्र के समान है। ये बात अशोक ने कही थी। राज्य संबंधी सिद्धांतों के अंतर्गत अशोक ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि समस्त प्रजा मेरी संतान है और पुत्र के समान जो है मेरी संतान है। ये बात किसने कही थी, अशोक ने कही थी। किसने कही थी, अशोक ने कही थी। उसके बाद आता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। अशोक ने समाज में व्याप्त विभिन्न जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का भी क्या किया था विद्यार्थियों, प्रयास किया था। और उसने कहा कि विवाह, पुत्र जन्म आदि पर अनावश्यक खर्च और जो आयोजन हो रहे हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए। उसने कहा यात्रा, विवाह और जो विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं उन पर किया जाने वाले अनावश्यक खर्च पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये बात अशोक के प्रशासनिक सुधारों में शामिल था। फिर आता है विद्यार्थियों शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। शिलालेख नंबर 13 में
शिलालेख नंबर 13 में अशोक के द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई गई कि सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग और आदर की भावना के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्होंने उन विदेशी राज्यों का भी इस शिलालेख नंबर 13 में उल्लेख किया है जिसके साथ उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का प्रतिपादन किया था। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति जिसका उल्लेख शिलालेख नंबर 13 में है जिसमें जिन विदेशी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई गई थी इस बात का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है देवनाम प्रिय की उपाधि। कई विद्वान जिनमें शास्त्री जी भी थे उन्होंने कहा कि पुरोहितों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अशोक ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी जबकि रोमिला थापर ये कहते हैं कि जनता में अपने आप को लोकप्रिय सिद्ध करने के लिए अशोक ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो अशोक ने प्रशासनिक सुधारों में उसकी उपाधि को भी जाना जाता है कि अशोक ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है सर्वहित का समर्थन। सर्वहित सभी के कल्याण की भावना, सबका कल्याण हो इस प्रकार के नियम बनाना, इस प्रकार के से प्रशासन को चलाना, प्रशासनिक नियमों को बनाना, उनका संचालन करना, इन सब में सर्वहित नीति का प्रतिपादन पालन किया जाएगा। ये बात अशोक ने शिलालेख नंबर 6 में की और कहा कि सर्वहितवाद के समर्थन के आधार पर ही मौर्य प्रशासन को चलाया जाएगा जिसका उल्लेख शिलालेख नंबर 6 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आती है बच्चों अशोक के अभिलेखों में परीक्षा शब्द का उल्लेख भी देखने को मिलता है और माना जाता है ये परीक्षा मौर्य प्रशासन की परिषद थी। क्या थी? परिषद थी। परिषद का कार्य उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विभागों का बंटवारा और उच्च स्तर की का जो परामर्श किया जाता था वो परिषद के सदस्य करते थे और परिषद का जो अध्यक्ष था जिसको आमात्य कहा जाता था, अशोक के समय जो आमात्य थे प्रधानमंत्री था वो कौन था? राधागुप्त था। जैसे कि आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय आमात्य थे कौटिल्य विष्णुगुप्त, वैसे ही अशोक के शासनकाल में प्रधानमंत्री या आमात्य थे राधागुप्त और अशोक के काल में परीक्षा नाम की एक परिषद थी जो उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति और उच्च स्तर के विचार विमर्श का कार्य करती थी। उसके बाद आता है अशोक के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत या अशोक के अभिलेखों में विद्यार्थियों 5 प्रांतों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती था उज्जैनी। क्या था? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोशाली। दक्षिणापद कहा जाता था सुवर्णगिरी को, किसको? सुवर्णगिरी। और प्राच्य कहा जाता था आपके पाटली पुत्र को। मतलब ये था उत्तर की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोशाली थी, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राच्य और जो पूर्वी प्रदेश था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी भी मानी जाती थी और पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर जो विवरण प्रस्तुत किया है वो किया है मेगस नीच की इंडिका ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और पाटलिपुत्र के सौंदर्य का वर्णन मेगस नीच की इंडिका में हमें देखने को मिलता है। बाकी अशोक के प्रशासनिक सुधारों की जानकारी हमें 2 ग्रंथ देते हैं विद्यार्थियों। एक तो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस नीच की इंडिका। इन दोनों ग्रंथों से हमें किसके बारे में? अशोक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों कई बार राजयुग युक्त प्रादेशिक प्रतिवेदक और धर्म महामात्र के अंदर से क्वेश्चन आए हैं,
तो रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। तो आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान के जो इतिहास वाले टॉपिक्स सारे मैं आपको क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आगे के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। और जो रीट एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप उसकी तैयारी में जुट जाइए विद्यार्थियों। मेरे वीडियो को देखें, मेरे द्वारा जो बोर्ड पर लिखाए हुए शॉर्ट नोट्स है उनको लिखे, क्योंकि ये एग्जाम में ये आपके नोट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। मैंने उन्हीं चीजों को बोर्ड पर लिखा है जो एग्जाम में आ चुके हैं विद्यार्थियों। तो इसीलिए मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।